यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू। ज्वाइन वेरी फास्ट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी बोली कहां रहा हूं कि आवाज आएगा। अभी तो वेट कर रहा हूं कि बच्चे ज्वाइन कर लें। सर आपका आवाज नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अपना नेम और अटेंडेंस के लिए अपना नेम, क्लास, सेक्शन नोट करके भेज दो। राइट योर नेम, चाहे उसी वाले मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर दो। पढ़ाया जाए। सर श्रेया गुप्ता का गया आ जाएगा बेटा, तुम सेंड कर दो, टाइप कर दो। ओके सर। टाइप करके नेम, नेम क्लास विथ सेक्शन सर आपके नंबर पे सेंड करूं। मेरे यस सेंड हो गया मेरा। ओके मैं चेक कर लूंगा जितने लोग क्लास ज्वाइन किए हो, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे एनरोल्ड हैं कुछ नहीं एनरोल्ड हैं, तो जो बच्चा एनरोल्ड नहीं है उसको भी अटेंडेंस दे दूंगा। क्या सेट करना है? राइट योर सर क्या क्लास विथ सेक्शन एंड एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर फॉर अटेंडेंस। टाइप करके सेंड कर दो। हो गया? यस सर। कॉस्टलेस मॉडल को हो गया है? यस सर हो गया। यस सर। इसके बाद भी स्नैप्स लूंगा, इसके बाद भी अटेंडेंस के लिए जो बच्चा बैठा है उसका हम स्नैप्स लेंगे बीच में, ठीक है? ये नहीं कि आप नाम ये सब ट्रांसफर माने मैसेज सेंड करके आप हट लेंगे, नहीं। अभी मैं लूंगा इसका स्नैप्स, ठीक है? तो अटेंडेंस इस पे भी दिया जाएगा। चलो एक्सरसाइज 11.5। देखो उस दिन मैं सिखा रहा था कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। तो 11.5 नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट फिर से बता रहा हूं, आप सीख लीजिए। 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो दिस इज इक्वेशन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि हियर इज एन इक्वल साइन, बिकॉज फर्स्ट क्या है, बिकॉज रीजन भी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है?
रीजन, तो रीजन आप मेंशन करिएगा, रीजन फर्स्ट क्या है, इट हैज इक्वल साइन, सेकंड क्या है, इट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बात सर अभी बस समझे ना, लिखे नहीं ना। हाँ अभी समझना है, वैसे मैं ये चीज उस दिन समझाया था लेकिन चूंकि 3 दिन छुट्टी हो गया तो उसमें कुछ बच्चा क्या हो गया होगा, भूल गया होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। क्लियर? तो इट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। फिर क्या, इट हैज वन वेरिएबल, थर्ड यहां पे लिख दे रहा हूं, सेकंड ये हो गया ना, दिस इज योर सेकंड एंड नाउ थर्ड इज हियर, क्योंकि यहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है? तो यहां पे थर्ड क्या है, इट हैज वन वेरिएबल, इट हैज अ वेरिएबल एक्स, वेरिएबल क्या है, एक्स। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अब राइट डाउन, अब लिख लीजिए। यस सर। नो सर। सर रुकिए, रुके हैं सर, अगर उसमें दो इक्वल की साइन आ गए तो इक्वेशन नहीं है। अभी बताऊंगा, वेट करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। इरेज करें इसको? नो सर। यस सर। ये सर इरेज कीजिए। इरेज करते हैं। नो सर मत इरेज करिए। क्वेश्चन केवल इरेज करते हैं ये। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, टी माइनस सेवन, सेकंड पार्ट टी माइनस सेवन इन द ब्रैकेट ग्रेटर देन फाइव, तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, not an equation. क्यों equation नहीं? क्योंकि यहाँ पे equal sign नहीं है. It has no equal sign. यहीं से clear हो गया. बस इसके बाद ये सब mention ही नहीं करेंगे. Second और third की बातें ही नहीं करेंगे. बस इसका सोल्यूशन यही हो गया, बिकॉज इट हैज नो इक्वल साइन, और यहां पे अंडरलाइन भी कर देंगे नो एंड नो नो। क्लियर हो गया? यहां पे यदि इक्वल साइन होता, यदि मान लो ऐसे दिया रहता, सपोज करो ये दिया रहता, तब इक्वेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव्ड ऑटोमेटिक। तो अब ये यदि यहां पे इक्वल साइन रहता है, नहीं इसमें, मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं, डाउट्स क्लियर कर रहा हूं कि ये इक्वेशन कब हो जाता, जब यहां पे इक्वल, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है,
एंड हियर इज अ वेरिएबल स्मॉल टी. तो यहां पे लिख देते इट हैज इक्वल साइन. इट हैज टू साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एट जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर पार्ट वन. लेकिन चूंकि यहां पे ऐसा साइन दिया हुआ है ग्रेटर का साइन दिया हुआ है तो हम कह देंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज नो इक्वल. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. बोलो यस सर. यस सर क्लियर. यस सर क्लियर हो गया. ओके थर्ड पार्ट सीखा सर. इट इज क्लियर. ओके बेटा थर्ड पार्ट सीखा जाए इसका. फोर अपॉन टू इक्वल टू टू. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थ्री. तो यहां पे भी इक्वल साइन है बट वेरिएबल इज नॉट हियर. तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल. नॉन वेरिएबल. इट नॉन वेरिएबल. नो वेरिएबल. इट हैज नो वेरिएबल. बस आंसर हो गया. इक्वल साइन है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है बट हियर इज नो वेरिएबल. ये वेरिएबल नहीं है इसलिए हमने क्या कर दिया कि दिस इज एन इक्वेशन. ये नहीं लिखेंगे उस समय. बस इसका सोल्यूशन हो गया. क्यों? क्योंकि आपसे रीजन भी पूछ रहा है. रीजन पूछा जाएगा तो आप इसके बाद ये करने आते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आयुष सिंह? यस सर हो गया. ओके वो कहाँ गया लड़का? शिवम सिंह नाम है क्या कि शिवेश? शिवेश सिंह. शिवेश सिंह कहाँ चला गया? प्राणजल तिवारी. प्राणजल तिवारी नोट हो गया? इरेज करते हैं इसको. यस सर. देखो ये वाला डी वाला पार्ट इसका देखा जाए. डी वाले में सीखा जाए. डी में क्या कह रहा है? सेवन मल्टीप्लाई थ्री माइनस 19 इज इक्वल टू क्या दिया है? 8. अब मैं पूछूंगा वो बताएगा. जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा. ठीक है बोलो भाई. अंजलि यादव. अंजलि यादव है कि नहीं है? अच्छा अंजलि यादव नहीं बोलेगी. अनुज कुशवाहा. अनुज कुशवाहा भी नहीं बता रहा है. अंबुज यादव तुम्हें ही बता दो, जाने दो. यस सर. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. क्यों? व्हाई? बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल. इट हैज नो वेरिएबल. यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा. यही इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. यही इस क्वेश्चन का रीजन भी हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? यस सर. शिवांगी सिंह बोलो. शिवांगी सिंह. यस सर मुझे पता था सर. दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल. इट हैज नो वेरिएबल. तो इसका या तो इसको हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है या इसका ये रीजन है. लेकिन बात एक ही है. और राइटिंग स्टाइल भी यही होगा. कॉपी में लिखने का तरीका क्या होगा? यही होगा. क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि गिव द रीजन दिस क्वेश्चन इज इक्वेशन आर नॉट. यदि इक्वेशन है तो आप उसका रीजन बताएंगे क्यों है
और यदि नहीं है तो भी आप बताएंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आगे yes, वाला यस सर यस सर ई बताओ ई इज सर दिस इज एन इक्वेशन इज एन सर दिस इज एन इक्वेशन यस दिस इज सर दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज़ इट हैज वेरिएबल बिकॉज़ इट हैज इक्वल साइन एंड बिकॉज़ इट हैज टू साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड गुड प्रांजल तिवारी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कह रही है कि हम आपको बताएंगे नहीं। और समझाइए। गजब हाल है इसमें समझाना -8 = 2x तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इज दिस इक्वेशन तो यस This is an equation. Yes. लिखेंगे क्या? Yes. This is an equation because it has a variable. Variable क्या है? X. It has a variable x. फिर क्या नोट करेंगे? Second क्या बताएंगे इसमें? Second क्या बताएंगे इसमें? It has equal sign. और क्या बोलेंगे? It has two sides, left hand side and right hand side. बहुत सिंपल है कि नहीं है? Yes, sir. गिरी बोलो yes, sir. बहुत सिंपल yes, sir. कोई भी बता देगा और भी एक सीखा जाए। अब देखो x minus 2 equal to 0 अब पूछेंगे वही बताएगा सब लोग नहीं बताएगा क्यों ऐसे पूछा जा रहा है क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पनिश किया जाएगा या ये जाना जाएगा अरे इसको तो आता ही नहीं है कमजोर वीक स्टूडेंट है ऐसा नहीं है तो इसमें कौशलेस मौर्य बताएगा कौशलेस मौर्य कहाँ है कौशलेस मौर्य है यस सर बोलो भाई इसका सॉल्यूशन बताओ इज दिस इक्वेशन क्या यह इक्वेशन है? कौशलेश मौर्य सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग आदित्य आलोक चतुर्वेदी तुम्हें बता दो जाने दो सर आलोक चतुर्वेदी यस सर बता दो अरे इसी पे लिखा हुआ है सब यस दिस इज एन इक्वेशन देखो यहीं पे लिखा हुआ है सामने में लिखा है इट हैज अ वेरिएबल एक्स देखो यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है इट हैज टू साइड इट हैज इक्वल साइन बहुत आसान है इट हैज अ वेरिएबल इट हैज इक्वल साइन एंड टू साइड इट हैज वन वेरिएबल एक्स देखो ये एक्स है यहां पे इट हैज इक्वल साइन देखो यहां पे इक्वल है इसके बाद इट हैज टू साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बहुत आसान है साइड अब इसमें नीचे वाला तुमको दिख नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ वो बात आप सुन लीजिए इट हैज
two sides. It has two sides, right-hand side and second one and left-hand side. अब देखो एक और क्वेश्चन है जी वाला, स्मॉल जी. स्मॉल जी को कौन बताएगा बताओ? श्रेया गुप्ता बता देगी कि इज दिस इक्वेशन. सर मैं बताऊंगी. सर इट इज नॉट एन इक्वेशन. जब कोई नहीं बता पाएगा तब शिवांगी सिंह से पूछा जाएगा. सर मुझे पता है, मैं बताऊं? अभी नहीं, पहले मैं बोल लूं. जब कोई नहीं बता पाएगा तब शिवांगी सिंह से लास्ट में मैं पूछूंगा. क्यों? क्योंकि इज रेगुलर स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि यही रेगुलर है, आरुषि गिरी भी रेगुलर है, श्रेया गुप्ता भी रेगुलर है, अंबुज यादव इज आल्सो रेगुलर स्टूडेंट, सिंह इज आल्सो रेगुलर स्टूडेंट, उजाला गौतम इज आल्सो, अंबुज यादव, अंशु यादव, अंशुमान. अंशुमान बहुत बड़ा मूर्ख है, अंशुमान रेगुलर नहीं है. अंशुमान पटेल रेगुलर नहीं है. सर मैं मैं रेगुलर है. मैं जो बोल रहा हूँ रेगुलर है. प्रांजल तिवारी रेगुलर नहीं है. वो जो रेगुलर है उससे नहीं पूछा जाएगा. जो मूर्ख टाइप का है, जो क्लास डेली नहीं अटेंड करता, उससे पूछा जाएगा. उससे भी पूछा जाएगा जो रेगुलर अटेंड करता. जब जब इस तरह के बच्चे नहीं बता पाएंगे जो इरेगुलर. अगला वाला हम बताएंगे. आगे पढ़ाएं? यस सर. देखो देखो यस. 2m less than इसको less than 40. सर ये बताएं. हाँ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा. अंशु यादव तुम ही बताओ. चलो अंशु यादव है कि नहीं है? अंशु यादव अपना. अनुज कुशवाहा बताओ. तुम जाने दो. अनुज कुशवाहा वो भी नहीं बताएंगे. शिवेश सिंह तुम बताओ. जाने दो शिवेश सिंह. नहीं बताएगा. जाने दो. श्रेया गुप्ता तुम ही बता दो. जाने दो. Yes, sir. Sir, it is not an equation because it has no equal sign. Yes, good. देखो. No, this equal is signs. Not an equation because it has no equal sign. ये वाला बोलेंगे. ये वाला. It has no equal sign. तुम कहोगे अरे सर इसमें तो m वेरिएबल मिल रहा है. तो सब मिल रहा है, लेकिन यदि ये एक नहीं मिला, इक्वल साइन नहीं मिला, सब चीज है. इट हैज अ वेरिएबल m. इट हैज नो इक्वल साइन. जब तक इक्वल साइन नहीं मिलेगा तब तक हम टू साइड नहीं बोल सकते. ये सिंबल होने का मतलब कि नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इससे हमें नहीं मतलब है. हमारा उसमें से इक्वल जब साइन होगा तो ऑटोमेटिक हमारा दो साइड मिल जाएगा. कौन कौन दो साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. श्रेया गुप्ता भी रेगुलर स्टूडेंट है. आरुषि गिरी भी रेगुलर स्टूडेंट है. और भी हैं लोग. अब सबका नाम मैं नहीं बोल पाऊंगा. नाम लेंगे तो टाइम लगेगा, है कि नहीं बात? अंबुज यादव है आल्सो रेगुलर स्टूडेंट. तो रेगुलर रहेगा जो बच्चा उसको मैं रेगुलर कहूंगा. जो इरेगुलर रहेगा वो बहुत बड़ा मूर्ख टाइप का होगा. क्यों? क्योंकि वो पढ़ने वाला ही नहीं है. पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा कम से सर, कम. आप जो थर्ड पॉइंट लिखे हैं, इट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सर इस वाले क्वेश्चन में उसको लिखना है? बस इस वाले में बस केवल यही मेंशन कर देंगे. It has no equal sign. ये तो मैं समझने के लिए बोल दिया कि ये आप देखिए. It has okay, no sir. equal sign. बस इतना से ही हमारा answer complete हो जा रहा है. इतना से ही जब it has no equal sign तो variable रहेगा भी तो भी कोई असर नहीं करेगा. सर तो
वेरिएबल वाला तो नहीं लिया है कि इट हैज अ वेरिएबल m और नो प्रॉब्लम ओके सर मान लो यदि इक्वल साइन है सपोज करो ये इक्वल साइन है और वेरिएबल नहीं है तो भी इक्वेशन नहीं होगा तब भी इक्वेशन नहीं होगा लेकिन यदि मान लो इक्वल साइन है वेरिएबल है तब सर तभी इक्वेशन हो जाएगा ये सर अभी इक्वेशन हो जाएगा अब इक्वेशन है ये इक्वेशन है क्यों है क्योंकि इट हैज इक्वल साइन यस बिकॉज़ इट हैज कुछ भी लिख सकते हैं कि m इज वेरिएबल m इज अ वेरिएबल मेरी बात आपको समझ में आ रही है बोलो भाई आयुष सिंह मेरी बात समझ में आ रही है यस सर गुड शिवेश सिंह कहाँ चला गया नहीं दिख रहा है आज शिवेश सिंह ब्रेकफास्ट कर रहा है क्या शिवेश सिंह गुस्सा गया है क्या मुझसे आज नहीं बोलेगा कह रहा है कि नहीं बोलूंगा कोई आपका रिप्लाई नहीं करूंगा शिवेश सिंह पता नहीं जाने कोई बात आगे सीखा जाए अब एच वाला पार्ट इट हैज इक्वेशन H वाला इक्वेशन है क्यों क्योंकि इट हैज इक्वल साइन दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज़ इट हैज इक्वल साइन वेरिएबल वेरिएबल एंड इट हैज टू वेरिएबल इट हैज टू साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबको समझ में आ गया मान लिया जाए यस यस सर तो नहीं कहेगा कि आप जल्दी जल्दी पढ़ा दिए आप बढ़िया से नहीं सिखाए नो सर कोई नहीं कहेगा नो सर कोई नहीं बोलेगा मैं दो मिनट समय लेके सोच लो मैंने कह रहा कि भाई आप जल्दी जल्दी पढ़ा दिए आरुषि गिरी कहेगी आरुषि गिरी कह सकती है नहीं कहेगी ओके तो एक और देखिए ये के वाला तब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर वन इसके बाद कंप्लीट मान लिया जाएगा 20 इज इक्वल टू 5y इज दिस इक्वेशन यस सर यस सर बॉक्स बॉक्स इट हैज टू साइड्स लेफ्ट इट हैज टू साइड्स इट इज इक्वल टू साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल साइन यस दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज इक्वल साइन इट हैज वन वेरिएबल इट हैज वन वेरिएबल एंड इट हैज टू साइड्स वन वेरिएबल इट हैज टू साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट हैज टू साइड्स मान लिया जाए यस सर यस सर यस सर जिसको नहीं मानना है वो बता दो भाई नहीं तो फिर अब आगे हम पढ़ाना शुरू कर देंगे जिसको नहीं मानना है कि क्वेश्चन नंबर वन इज नॉट कंप्लीट टेल मी आप ये नहीं कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप और सब सवाल नहीं बताए क्वेश्चन नंबर टू सर हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू मैं पहले सिखा लूं क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 11.5 पहले मैं आपको बता दूं इसके बाद मैं पूछूंगा ठीक है अब देखो
complete the entries in the third column of the table. ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, फिर इसके बाद से आपको बताना है इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो, यस या नो में आंसर देना है, यस या नो। अब देखो कैसे करेंगे, कॉपी पे कैसे एग्जामिनेशन रूम में इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमें सीखना है, ठीक है। और तो बताता हूँ, अब देखो इसमें फर्स्ट वाला जो दिया है, टेन वाई इज इक्वल टू 80, टेन वाई इज इक्वल टू 80, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, सर 10, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अब सीखो, थोड़ा सा सीख लिया जाए, सिखाए ना, यस यस सर। अब देखो ये y का वैल्यू, ये 10 जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे put, put y is equal to 10, तो ये y इक्वल टू 10 का मतलब क्या, y जहां दिखेगा वहां पे क्या रख देंगे 10, तो ये 10 पहले से है और y हाँ। यहां पे मिल गया, y को कितना रेस दे देंगे, 10 रुपीज दे देंगे। अब ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। आपको बता दे रहा हूं, दोनों के बीच में यदि ये 2 और 10 y, यहां पे फिर से समझ लो, 10 y के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। ये नहीं कहिएगा कि हमने आपको नहीं बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, 10 और y के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लेस पे 10, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y दिख गया, y दिख गया तो कितना देना है, 10, यहाँ पे बताया हूँ मैं, तो y दिख गया तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब ये यहीं पे इसका आंसर शीट दे दिया है, यहाँ पे ये इसका आंसर शीट सामने है, ये 100 इज इक्वल टू 80, नो सर, तो लिख देंगे नो सर, नॉट सेटिस्फाइड, नो सर, लिख देंगे नॉट, इसका आंसर शीट पीछे नहीं दिया है, यहीं पे दे दिया है, yes, आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आप पीछे वाले पेज से मिलाते थे ना, बुक के पीछे दिया रहता था आंसर शीट, अब बुक वाला ये कह रहे हैं कि बच्चा बहुत थक गया है पेज पलटते पलटते, इसको सामने ही आंसर शीट दे दो, बुक वाला बहुत दयालु है, बुक वाला कैसा है, बहुत दयालु है, कह रहा है कि बच्चे को काइंड पर्सन, राइट डाउन, ये नहीं नोट करना है सर, ऐसे ही सारे सवाल को नोट करेंगे, अभी और बताना है, अभी एक थे और बताएंगे, क्योंकि हो सके कोई बच्चा, सर किसे नहीं नोट करना है, हाँ नोट कर लो, सब नोट करना है, ये वाला भी नोट करना है, ये वाला भी नोट करना, अब इसके बाद आप अंडरलाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके नीचे अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे, यहीं पे आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कॉपी पे और इसके नीचे फिर आप सॉल्व करेंगे, अब देखो सेकंड पार्ट इसी का, y is equal to 8, y is equal to क्या put करना है, 8, यहाँ पे equation आपको यही दिया है, yes, अब इस बार value of variable आपका change कर दिया, value of variable y is equal to कितना दिया हुआ, 8, एक वही काम करेंगे, प्यूटी पुट,
Put y is equal to 8. इस वाले इक्वेशन में जहां y दिखेगा वहां पे क्या नोट करेंगे? 8. अब देखो 10 के सामने 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे 8, 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला यस सर मिल रहा है. दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड. Sir, your wife is not coming. Satisfied. Yes, satisfied. Yeah, pura likh denge. Yes, this equation is satisfied. Sir, aapka awaaz nahi aa raha hai. Aayega, awaaz aayega. Aap awaaz mil raha hai? Ambuj Yadav. Yes, sir. Yes, sir. Awaaz milega aapko. Yes, sir. Yes, sir. Milega. तो आज बस इतना ही सिखाया जाएगा. अब कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? तो इसके आगे थैंक यू सर. पढ़ाया जाएगा तो बच्चा कल अटेंड क्लास नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा पढ़ाना है, इंटरेस्टेड होना चाहिए टीचिंग में. यस सर. टीचिंग कैसा होना चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए. बोरिंग होगा तो लड़का कल भाग जाएगा, कहेगा कि अब उस समय क्या चीज. रुक जाओ, आज का अटेंडेंस ले लिया जाए, स्नैप्स ले लें. यस यस सर. अटेंडेंस हो गया. एनी प्रॉब्लम? नो सर. किसी को प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. क्लास सस्पेंड किया जाए? यस सर. कल हम लोग फिर मॉर्निंग में ही पढ़ेंगे, ठीक है? कल कौन सा पीरियड रहेगा? सेकंड पीरियड है कि फर्स्ट पीरियड? सेकंड पीरियड. हाँ, सेकंड पीरियड में कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर. लीव करते हैं. यस सर. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. थैंक यू सर. वेलकम ऑल.